शिवपुरी जिले के करेरा तहसील में फुटपाथ पर ठेला लगाकर सब्जी और फल विक्रेताओं ने नगर पालिका और पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा पुलिस प्रशासन के बलबूते पर उनको डरा धमका कर उनके ठेले को हटाया जा रहा है। एक महीने से वह बेरोजगार हैं। कहीं परिवार ऐसे हैं जिनको अब रोजी रोटी का संकट आ गया है। इस संबंध में फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले लोगों ने शिवपुरी के डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई और मामले में दोबारा से ठेला यथावत लगवाने की अनुमति मांगी है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज आप कलेक्टर ऑफिस आई हो, क्यों आई हो? साहब हम परेशान है बहुत दिनों से, एक डेढ़ महीना हो गया है। हम गोलंबर पर ठेला लगाते थे, कच्ची गली हमको वहाँ से हटा दिया गया। कहाँ से आई हो आप? करेरा से। अच्छा, कितना समय हो गया आपको? एक डेढ़ महीना हो गया हमको, धंधे बिना बैठे हम। छह लड़कियां हमारी, करने वाला कोई है नहीं, परेशान हो रहे हैं। छह लड़कियां तो फिर घर कैसे चल रहा हो आप? क्या करें, परेशान हो रहे हैं, लगाते हैं तो भागे थाने में। आपने कंप्लेंट नहीं किया भागे? दूसरी जगह दे दी वहाँ पे। तो मेरा नाम शकील है। आज कलेक्टर ऑफिस आई हो आप, क्या समस्या लेके आए हो? हम आए हैं कि हम करेरा से आए हुए हैं, हमारे लिए 4-5 महीने हो गए जी। उधर त्याई साहब, नगर पालिका अधिकारी, यानी पूरा प्रशासन हमें 4-5 महीने से बराबर परेशान कर रहा है। परेशान कर रहा? क्योंकि यहाँ आप हट जाओ, यहाँ से। कहाँ से हट जाओ? जे का नाम फुटपाथ पे ठेला लगाते थे। अच्छा, किसका ठेला? पुल से लेके पुलिस चौकी तक। कितने लोग हैं आप? हम तो 200 लोग हैं हम। अच्छा, कितना समय हो गया तरफ से आए हैं? 20-25। आपका ठेला ना लगे हुए कितना समय हो गया? ठेले लगे हुए आज कम से कम एक महीना। उन्होंने आपको कोई स्थायी जगह नहीं दी? स्थायी जगह हमें ऐसी दी, उनसे झूठा आश्वासन दे के हमें वहाँ ले गए कि आपको दुकान बना के देंगे, सारी व्यवस्थाएं करके देंगे। और त्याई साहब से हमको धमकी दिलवा के और हमारे लिए जबरदस्ती उसमें पेड़ दिया, कोई व्यवस्था नहीं। कौन दे रहा आपको धमकी? अध्यक्ष देता है नगर पालिका के, सफाई कर्मचारियों को लेके हमारा माल भरवाने की धमकी देते हैं। ठेले उठा लेगा राम स्वरूप शारदा। क्या कहते हैं? कहते हैं आप यहाँ से ठेले हटाओ। वही धंधा कर रहे हैं हम, और एक साइड से ठेला लगाते थे और मार्केट जहाँ होती वहाँ भीड़ भाड़ तो होती है, आप कहीं भी चले जाओ। लेकिन एक तरफा हमें परेशान करके वहाँ से हटा दिया। आपको 5-6 महीने हो गए, फिर आपका घर बार कैसे चल रहा होगा? घर बार हम भूखा मर रहे हैं, हम कर्जे में हो गए, हम बहुत पैसे कर्जे। आज आप कलेक्टर साहब के पास आए हो, क्या आश्वासन लेके आप जाते हो? हम चाहते हैं कि हमारे लिए बाजार के अंदर हमारे लिए ठेला लगाने की परमिशन दी जाए। हम साइड में लगाएंगे, एक साइड लगाएंगे। इसके बाद भी आपको अगर जहाँ परमिशन नहीं मिलती, परमिशन नहीं आई तो हम भोपाल भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो पूरा प्रशासन हम सबके पास होया, कोई नहीं सुनने। हमें एडीएम साहब के पास होया, करेरा में कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, दो की मांग तो नहीं की जा रही। महीना हो गया परेशान, दो की मांग की जा रही नगर द्वारा। सारे हमें बाजार के अंदर धंधा करने की परमिशन का 5 दिन का उन्होंने भूख हड़ताल रखी, जिन्होंने झूठा आश्वासन दिया इन लोगों के लिए कि तुम्हारे लिए पशु अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसमें देखा गया वो जान की जगह है, कल को वो भी केस लड़ेगा, फिर कहाँ जाएंगे? उसमें 20-25 ठेले लगे हुए हैं, बाकी सारे लोग घर में। अगर उसमें जगह देखी जाए तो 60 ठेले की जगह है, 200 ठेले हैं, बाकी बाहर लग रहे हैं। उसके अंदर वीडियो भी बना के लेकर आए हम, ये ग्राहक नहीं आ रहा उसके अंदर। ये लोग महिला आएंगी अपना पैसा लेकर, 5-5 हज़ार रुपए कर्ज लेकर सामान लेकर, सामान नहीं बिच रहा, सामान चढ़ रहा है, ये ग्राहक नहीं आ रहा उसके अंदर। आधे ठेले बाहर लग रहे हैं, ये पूरी राजनीति के तहत चल रहा है पूरा करना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।